बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पार्ट वन, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म एंड द सेलवेज पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पिरिमिडीन सिंथेसिस एंड प्यूरीन सिंथेसिस is that the pyrimidine ring is synthesized before being attached to ribose 5-phosphate. In contrast, the purine ring is constructed on a pre-existing ribose 5-phosphate. So pyrimidine ka ring pehle banta hai aur purine ka ring jo hai wo ribose 5-phosphate ke पहले से बना हो उस वक्त बनता है। पिरिमिडीन का रिंग जो है वो पहले बनता है और बाद में अटैच होता है राइबोस 5-फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स ऑफ पिरिमिडीन आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, नेमली एस्पार्टेट, ग्लूटामीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Reactions of pyrimidine synthesis, the de novo reactions can be divided in two stages. Synthesis of parent pyrimidine nucleotide, that is UMP, and this is followed by conversion of UMP to cytidine and thymidine nucleotides. Okay, the reactions of pyrimidine synthesis are divided into two stages. First it is synthesis of parent pyrimidine nucleotide, and second is the conversion of UMP to cytidine and thymidine nucleotides. First, we'll discuss the stage one, that is the synthesis of UMP. इसमें क्या होता है कि the first step, that is the committed step of the pathway, involves synthesis of carbamyl phosphate from glutamine and carbon dioxide. The enzyme that catalyzes this step is carbamyl phosphate synthetase 2, CPS2. साथ ये छोटी पिक्चर जो लगाई हुई है इसमें रिएक्शन मैंने शो किया हुआ है कि ग्लूटामिन और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 इज यूज्ड, सो इट फॉर्म्स कार्बामाइल फॉस्फेट, दैट इज द कमिटेड स्टेप ऑफ द पिरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे. And two ATPs are required to drive forward the reaction. Second step में क्या होता है कि जो carbamyl phosphate है उसमें हमने aspartate add करना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि carbamyl phosphate जो है वह aspartate trans carbamylase की presence में carbamyl aspartate बना देगा और वो simple linear structure से ring structure में change हो जाएगा as shown in the small figure. इसमें क्या है कि कार्बामाइल फॉस्फेट और एस्पार्टेट जो हैं दे कंडेंस टू फॉर्म एन कार्बामाइल एस्पार्टेट, एन एंजाइम जो है इसमें एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज यूज होता है जिसको एटीकेज भी कहते हैं. थर्ड रिएक्शन जो है इज एन इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन व्हिच लीड्स टू द पिरिमिडीन लिंक क्लोजर बाय द एंजाइम डाइहाइड्रोओरोटेज. तो बेसिकली इसके थ्री स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है कि हमने ग्लूटामिन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करना है. सेकंड स्टेप में हमने एस्पार्टेट की एडिशन करनी है, तो लीनियर स्ट्रक्चर से कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में बन जाएगा. फिर हमने रिंग स्ट्रक्चर को क्लोज करना है, तो उसमें हम डाइहाइड्रोओरोटेज एंजाइम की हेल्प से उसको
रिंग स्ट्रक्चर को डाइहाइड्रोऑरोडेट में कन्वर्ट करके उसको क्लोज कर देंगे। डाइहाइड्रोऑरोटेट जो है दैट ऑक्सीडाइजेस टू ऑरोटेट इन द फोर्थ रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम डाइहाइड्रोऑरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में एनएडी जो है इट सर्व्स एज ए कोएंजाइम। फाइनल रिएक्शन जो हमारे पास बनता है दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ओएमपी टू यील्ड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट जो है उसकी उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे तो हमारे पास यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। और एंजाइम कौन सा इसमें यूज हो रहा है? ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें यूज हो रहा है। एंड ओरोटिडाइलेट डीकार्बोक्सिलेज आर ऑल्सो कैटालिटिक डोमेन्स ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड यूएमपी सिंथेस। ओरोटेट जो है ना इसको हम एज अ पेरेंट पिरिमिडीन बेस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड ओरोटेट इज कन्वर्टेड इन टू करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड ओरोटिडीन 5 फॉस्फेट बाई कपलिंग विद अ फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप डोनेटेड बाय फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। यूएमपी जो हमारे पास बना था पिछली रिएक्शन में इज फॉस्फोरिलेटेड बाई टू कंजेक्टिव रिएक्शन इन टू यूडीपी एंड यूटीपी। और इसमें एंजाइम कौन से यूज हो रहे हैं? यूएमपी काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। एंड यूडीपी जो है दैट इज एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज विच जेनरेट्स डी यूटीपी डी ऑक्सी यूडीपी। द डी ऑक्सी यूडीपी इज फॉस्फोरिलेटेड टू DUTP, which is rapidly hydrolyzed to DUMP by UDP diphosphatase. And ये DUTP जो है that acts as a substrate for DNA synthesis, and it also prevents the incorporation of uracil into the DNA. So it is important to prevent the mutations. ये सारे steps जो हैं ये लिपिन कॉट में लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसको figure से करना है। Figure से एक इसको फ्लो शीट की फॉर्म में याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये आपको इस तरह से याद नहीं होगा। फिर जो स्टेज टू मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट स्टेज ये था कि हमने यूटीपी बनाना था, सेकंड स्टेज ये है कि जो यूएमपी है उसको हमने साइटिडीन और थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना है। इसमें काफी सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं, कन्वर्जन ऑफ यूएमपी टू साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें एंजाइम जो है वो सीटीपी सिंथेटेज यूज होता है, और इसमें बेसिकली हमने अमाइनेशन करानी है यूटीपी की विच इज अ सोर्स ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ग्लूटामिन। ठीक है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो है इट चेंजेस इनटू साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिन एटीपी एंड सीटीपी सिंथेटेज। ग्लूटामिन जो है वो अमाइनो ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और एंजाइम सिंथेटेज यूज हो रहा है। फिर है सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो है वो किस तरह से बनता है कि जब डीयूएमपी जो है हमारे पास वो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में और एनएडीपीएच की प्रेजेंस में वो डीटीएमपी बना देता है। ठीक है, ये डी यू एम पी जो है
पिरिमिडीन सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सारी आप लोगों ने लिपिन कोड से करनी है, बस जैसी उसमें लिखी हुई है दैट इज मोर देन इनफ, इससे आगे पीछे आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। डी यू एम पी जो है उसको अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू डी टी एम पी, यानी थाइमिडीन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। वो किस तरह से कन्वर्जन होगी, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में और एन ए डी पी एच की प्रेजेंस में जो है वो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज बनेगा। और इस प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज यूज होगी दैट इज N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मेंशन द रिएक्शंस इन विच टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है यूज होता है, तो उसमें एक ये रिएक्शन आता है, एक मिथियोनिन वाला आता है और एक फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है। दो तीन रिएक्शंस ये वाले आते हैं, वो फिर तीनों आप लोगों ने लिखने होते हैं रिएक्शंस। दिस इज एन अनयूजुअल रिएक्शन इन दैट टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इट कंट्रीब्यूट्स नॉट ओनली अ वन कार्बन यूनिट बट आल्सो टू हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द टेरिडीन रिंग रिजल्टिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट टू डाइहाइड्रोफोलेट। इस रिएक्शन में आप देखेंगे जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू डाइहाइड्रोफोलेट में, और डाइहाइड्रोफोलेट जो है, अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इट कैन ऑल्सो बी रिकन्वर्टेड इनटू N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये रिएक्शन जो है इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेटाबोलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिडरिंग दी फोलेट सिंथेसिस। और इसमें जो इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, इसमें एक इनहिबिटर है यूएमपी। अगर यूएमपी की कंसनट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी बहुत, तो वो क्या करेगी कि वो नेगेटिवली फीडबैक भी कर सकती है। 5-फ्लोरोयूरासिल एक ड्रग है, वो यूएमपी की कंसनट्रेशन को ब्लॉक कर सकती है। और मेथोट्रेक्सेट जो है वो दैट इज एंटी कैंसर एंड एंटी रूमेटिक ड्रग दैट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। फिर इम्पॉर्टेंट जो है रेगुलेशन ऑफ पिरिमिडीन सिंथेसिस क्या है कि मेमेलियन सेल्स के अंदर मेन रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ जो पिरिमिडीन सिंथेसिस का है दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया दैट इज द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 वाला स्टेप है, ठीक है। और एंजाइम जो है दैट इज इनहिबिटेड बाय यूटीपी एंड एक्टिवेटेड बाय एटीपी एंड पीआरपीपी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज है इट इज इनहिबिटेड बाय सीटीपी एंड इज अ रेगुलेटेड स्टेप। तो आपने इसके इनहिबिटर्स और जो इसके एक्टिवेटर्स हैं वो याद रखने। फिर आ जाता है सेल्वेज रिएक्शंस ऑफ पिरिमिडीन सिंथेसिस। सेल्वेज रिएक्शंस क्या होते हैं कि जिस सेल्वेज का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन रिएक्शंस या किसी चीज को कंबाइन करना। तो सेल्वेज रिएक्शंस के क्या हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज है दैट कैटलाइजेस फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ ओरोटेट ऑल्सो सेल्वेजेस अदर पिरिमिडीन बेसिस सच एज यूरासिल एंड साइटोसिन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और जो भी अभी हमने पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस पढ़ी, इसमें दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो है उसमें हमने लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, और सेकेंड स्टेज में हमने रिंग को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट और दूसरे उसमें जो हमने ग्लूटामिन वगैरह ऐड की उसकी वजह से वो रिंग क्लोज हो जाएगा। फिर ये है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ पिरिमिडीन्स क्या है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ पिरिमिडीन्स जब भी होगी तो उससे वाटर सोल्युबल मेटाबोलाइट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटा एलेनिन इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ CMP एंड UMP एंड बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट विद द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। TMP जनरेशन से बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट बनेगा और CMP और UMP से बीटा एलेनिन बनता है। ह्यूमन जो है वो बीटा अमाइनो ब्यूटाइरेट को जो है
उसको ट्रांसएमिनेट कर लेते हैं इनटू सक्सिनाइल को. सक्सिनाइल को आपको पता है कि इट कैन एंटर अदर सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल टीसीए साइकिल में एंटर हो सकता है या फिर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है. और ल्यूकीमिया जो एक वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, इसमें बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारेट की कंसनट्रेशन जो है वो यूरिन में ज्यादा हो जाती है. और ये किस वजह से होता है कि सीवियर एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर जब होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीटा अमाइनो ब्यूटारेट जो है वो निकलता है, एक्सक्रीशन होती है उसकी. ऑटिक एसिड यूरिया जो है दैट इज अ डिजीज. इसमें आपको बस मेन मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए कि बेसिकली किस वजह से होती है. इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप वन ऑटिक एसिड यूरिया, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ अ प्रोटीन विच एक्ट्स एज बोथ ऑरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंड ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेज. एंड इस केस में क्या होता है कि ऑरोटेट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स में लाइक यूरिडाइलेट में कन्वर्ट नहीं होता. जब वो दूसरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो इट रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ ऑरोटेट इन ब्लड लीडिंग टू ग्रोथ रिटार्डेशन एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है कि जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत मेगा हो जाते हैं. अदर कॉजेज ऑफ ऑटिक एसिड यूरिया जो है दैट इज द राइस सिंड्रोम. राइस सिंड्रोम क्या होता है? राइस सिंड्रोम छोटे बच्चों में होता है. अगर आप बहुत छोटे बच्चों में फीवर को कम करने के लिए एस्प्रिन दें तो उनमें राइस सिंड्रोम हो सकता है. और ये किस वजह से होता है कि छोटे बच्चों में जो अभी ऑर्गेनल्स हैं वो ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया इतने उनमें नहीं अच्छे बने हुए होते, तो उसकी वजह से उनके माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो इमेच्योर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं एंड इट कॉजेज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑरोटिक एसिड. टाइप टू ऑरोटिक एसिड यूरिया जो है दैट इज इसमें कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव होता है? ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेज एंड इट इज कैरेक्टराइज बाई मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एसिटिडीन इन हायर कंसेंट्रेशन देन ऑरोटेट. फिर इसकी सेकेंड जो कॉज है दैट इज यूरिया साइकिल के एंजाइम्स अगर सही तरह से काम ना करें या एंजाइम्स में म्यूटेशन हो तो उस केस में भी ऑरोटिक एसिड यूरिया हो सकता है. और इस केस में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज जो है दैट इज डिफेक्टिव एंड एक्सेस कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है जो कि साइटोसोल में ज़्यादा जाता है एंड इट स्टिमुलेट्स द पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस. और अगर पिरिमिडीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑरोटेट ज़्यादा बनेगा और वो ब्लड में ज़्यादा आएगा और ऑटिक एसिड यूरिया हो जाएगा. और हाई प्रोटीन डाइट अगर इस केस में ज्यादा लेंगे तो वो एग्रावेट करेगा ऑरोटेट फॉर्मेशन को. फिर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ प्यूरिमिडीन एंड प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स. सिंथेटिक एनालॉग्स पिरिमिडीन्स के कौन कौन से हैं? एक तो ये है 5-फ्लोरोयूरासिल. 5-फ्लोरोयूरासिल इज एन एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर ड्रग which inhibits the enzyme thymidylate synthesis. Mechanism of action क्या इसका क्या है कि 5-फ्लोरोयूरासिल जो है it is converted into 5-DUMP and which becomes permanently bound with the 5-फ्लोरोयूरासिल. और इसको हम suicide inhibitor भी कहते हैं. फिर सेकंड जो पिरिमिडीन एनालॉग है ये जो सिंथेटिक एनालॉग है पिरिमिडीन का दैट इज द मेथोट्रेक्सेट. मेथोट्रेक्सेट क्या करता है कि इट इज अ फोलेट एनालॉग इनहिबिटर एंड इट इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. प्यूरीन का एनालॉग क्या है? इट इज आल्सो मेथोट्रेक्सेट एंड इट आल्सो इनहिबिट्स प्यूरीन सिंथेसिस. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. कैंसर ट्रीटमेंट में ये वाली ड्रग्स क्यों यूज होती हैं? बिकॉज इन्होंने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म जो है उसको खत्म करना होता है, तो ये इसलिए ये ड्रग्स हम देते हैं.
और पिरिमिडिन में जो मिथोट्रेक्सेट है वो किस तरह से फंक्शन करती है कि वो टेट्राहाइड्रोफोलेट की प्रोडक्शन को कम कर देती है, विच इन टर्न डिक्रीजेस दी प्यूरिन सिंथेसिस एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स दी मिथाइलेशन ऑफ डी यू एम पी इंटू डी टी एम पी. और जो डीएनए सेल्स हैं वो जब डी यू एम पी और डी टी एम पी उनको नहीं मिलेगी तो सेल्स जो हैं वो मेच्योर नहीं होंगे और सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे. प्यूरिन का जो सिंथेटिक एनालॉग है दैट इज द ए साइक्लोविर एंड इट इनहिबिट्स द वायरल डीएनए डीएनए पॉलीमरेज. ये आजकल ये कोरोना के ट्रीटमेंट में भी यूज हो रहा है ए साइक्लोविर. रोटीनावीर और इसकी जो बहन भाई हैं आगे रोटीनावीर और रेमडेसिविर ये सारे आप सुनते होंगे, ये आजकल कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं बिकॉज दे इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज. ये सारी जो ड्रग्स मैंने पीछे आपको बताई हैं ये क्या करती हैं कि ये पिरिमिडिन के सिंथेसिस को कम कर देती हैं, सेल की ग्रोथ को कम कर देती हैं, तो कैंसर कंट्रोल हो जाता है. प्यूरिन का जो एक एनालॉग है दैट इज एलोप्यूरिनोल एंड इट इज इनहिबिटर ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस एंड इट इज यूज इन पेशेंट्स विच प्रोड्यूस ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. पिरिमिडिन्स का जो नेक्स्ट एनालॉग है दैट इज दी एजाथायोप्रीन. एजाथायोप्रीन जो है ना दैट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन लाइक हर्पिस सिंप्लेक्स एंड एच आई वी वायरस. प्यूरिन का जो एनालॉग है दैट इज अ माइकोफिनोलिक एसिड एंड इट इज द रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. और जो प्रोलिफरेटिंग टी एंड बी सेल्स होते हैं उसको ये इनिबिट कर देता है. एंड इट ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग एंड इट इज यूज इन जो भी अगर किडनी किसी को लगाते हैं किसी दूसरे बंदे की तो उस केस में हमें जिस बंदे को किडनी देनी होती है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस करना पड़ता है. बिकॉज हम अगर हम इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं करेंगे तो वो जो डोनर किडनी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी बॉडी, वो उसको फॉरन सब्जेक्ट फॉरन बॉडी समझेगी और उसको रिजेक्ट कर देगी. तो किसी भी पेशेंट में जो जो भी ऑर्गन लगाना हो जैसे किडनी ज़्यादातर लगती हैं तो उस केस में हम पहले जो डोनर जो एक्सेप्टर होता है उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस करते हैं. उस इम्यून सिस्टम सप्रेशन में माइकोफिनोलिक एसिड इज वन ऑफ द ड्रग्स दैट इज यूज्ड टू सप्रेस द टी एन बी सेल्स. ओके दैट वॉज अबाउट पिरिमिडिन सिंथेसिस. अब आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो तो फिर मैं आपको सेल्वेज पाथवे कराती हूँ. सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स में क्या क्या हैं? पिरिमिडिन्स के जो एनालॉग हैं इसमें 5-फ्लोरोयूरासिल है दैट इज एन एंटी ट्यूमर एजेंट एंड इट इज एन इनहिबिटर ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेज. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि 5-फ्लोरोयूरासिल जो है इट इज कन्वर्टेड इंटू 5-डी यू एम पी विच देन बिकम्स परमानेंटली बाउंड टू which then becomes permanently bound to inactivated thymidylate synthase and it is also known as the suicide inhibitor. Second jo hai that is a methotrexate. Methotrexate jo hai that is an anti-tumor and anti-rheumatic agent and it inhibits the dihydrofolate reductase enzyme involved in the formation of tetrahydrofolate. मिथोट्रेक्सेट जो है वो पिरिमिडिन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है और प्यूरिन सिंथेसिस को भी. फिर इसमें क्या है कि जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मिथोट्रेक्सेट का कि ये रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो नहीं बनेगा ज्यादा और मिथाइलेशन ऑफ डीयूएमपी टू डीटीएमपी नहीं होगी तो डीएनए को ये कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी सेल्स में, सेल्स इमेच्योर रह जाएंगे और सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे. प्यूरिन का जो एनालॉग है दैट इज ए साइक्लोविर दैट इनहिबिट्स द वायरल डीएनए
पॉलीमरेज। पिरिमिडिन्स के एनालॉग्स का क्या फंक्शन है कि ये सेल की ग्रोथ रेट को कम करते हैं, डीएनए कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होते, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और सेल का ग्रोथ रेट कम हो जाता है और कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्यूरिन का एक इम्पॉर्टेंट एनालॉग है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल किस लिए यूज होता है? यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए। उन पेशेंट्स में जिनमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो फिर किडनीज को डैमेज करती है, तो इसलिए हमने एलोप्यूरिनोल को हम यूज करते हैं। फिर पिरिमिडिन्स का एक और एनालॉग है जिसको हम एज़ाथायोप्रीन कहते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन लाइक हर्पीस सिंप्लेक्स एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मीन्स के एड्स। प्यूरिन का एक एनालॉग है माइकोफिनोलिक एसिड दैट एक्ट्स एज ए इनहिबिटर ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट इनहिबिट्स द इम्यून सिस्टम, सप्रेसिस द इम्यून सिस्टम और जो डिवाइडिंग टी एंड बी सेल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन को ये कम करता है। सेलवेज पाथवे थोड़ा सा मुश्किल है तो वो मैं आपको कल करा दूंगी, अभी आप ये प्यूरिन की सिंथेसिस पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अभी पिरिमिडिन की सिंथेसिस मैंने आपको बताई जिसमें दो स्टेप्स हैं, दो स्टेजेस में उसकी सिंथेसिस हो रही है और साथ उसके एनालॉग्स इंपॉर्टेंट हैं। और ऑरोटिक एसिड यूरिया मैंने आपको बताया जिसकी दो टाइप्स हैं, टाइप वन एंड टाइप टू, ठीक है। अब है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स में आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो इसके सिंथेसिस के छोटे छोटे स्टेप्स, फिर सेल्वेज पाथवे, डिग्रेडेशन और डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म लाइक एडीनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी एंड हाइपर यूरिसीमिया एंड नेचुरल एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। न्यूक्लियोटाइड्स, आप सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कंपोज्ड ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज होती है? जिसमें सिर्फ बेस और शुगर होती है, फॉस्फेट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स जो हैं वो बहुत सारे कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं लाइक डीएनए एंड आरएनए। एंड न्यूक्लिक एसिड्स आपको पता है बहुत लॉन्ग और कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसाइड दी क्रोमोसोम्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स जो हैं इसको हम न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दीज आर असेंशियल फॉर ऑल द सेल्स। अगर ये सारी चीजें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ना हो तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती। नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता है न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी। डीएनए और आरएनए में प्यूरिन्स जो होती हैं दीज आर एडिनिन एंड गुआनिन और पिरिमिडिन्स जो हैं दीज आर थाइमिन साइटोसिन एंड यूरासिल। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्यूरिन है इसका लफ्स छोटा है लेकिन इसके रिंग डबल है, ठीक है। ये है छोटा लेकिन इसके डबल रिंग है और पिरिमिडिन जो है इसका वर्ड बड़ा है पर इसका रिंग सिंगल है।
ठीक है, मैंने तो इसको इस तरह याद रखा हुआ था कि पिरिमिडीन का लफ्ज बड़ा है लेकिन उसका रिंग छोटा है, सिंगल रिंग है, और प्यूरीन का लफ्ज छोटा है लेकिन उसके रिंग दो हैं, बड़े रिंग है। डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन किस तरह से होती है कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। और सबसे पहले जो प्यूरीन रिंग सिस्टम है उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज अ राइबोस 5-फॉस्फेट विच इज यूज एज ए प्राइमर। उसका जो कार्बन नंबर 1 है दैट इज यूज एज ए प्राइमर, जैसे हम मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाते हैं ना, इसी तरह प्यूरीन सिंथेसिस करने से पहले हम जो प्राइमर यूज करेंगे दैट इज अ C1 ऑफ राइबोस 5-फॉस्फेट। प्यूरीन सिंथेसिस अब होती कहाँ पे है, दैट अकर्स प्राइमरीली इन द लिवर, और इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं। और इसमें राइबोस शुगर हमारे पास कहाँ से आएगी, HMP शंट से, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो है वहां से हमारे पास राइबोस शुगर आएगी, राइबोस 5-फॉस्फेट। एंड सबसे ज्यादा एक्टिव जो प्यूरिन सिंथेसिस होती है वो लिवर के अंदर होती है, बिकॉज लिवर इज अ मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव ऑर्गन। अदर टिश्यूज में भी हो सकती है लेकिन लिवर में सबसे ज्यादा होती है। कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं प्यूरिन सिंथेसिस में, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज अ सिंथेसिस फ्रॉम एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट्स, सिंथेसिस डी नोवो भी इसको कहते हैं। सेकेंड स्टेप इज फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरिन, थर्ड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स। तो 3 मेजर स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले हमने प्यूरिन रिंग सिंथेसाइज करना है। प्यूरिन रिंग किस तरह से होगा कि इसके लिए हमें चाहिए एक एस्पार्टेट जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए जो कि सिंगल कार्बन एटम्स जो चाहिए उसमें हमें टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए। ये साथ फिगर में भी आप देखें इसमें किस किस चीज की जरूरत है, एस्पार्टेट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्लाइसिन की, N5N10 methylene टेट्राहाइड्रोफोलेट और अमाइड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामीन। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं प्यूरिन का रिंग बनाने के लिए। ठीक है, जो नाइट्रोजन 3 से नाइट्रोजन 9 तक जो एटम्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय ग्लूटामीन, और जो कार्बन 6 है इसकी वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और C4, C5 and N7 आर डिराइव फ्रॉम ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है वो पूरा का पूरा ही प्यूरिन रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बिकॉज वो छोटा सा मॉलिक्यूल है वो प्यूरिन रिंग के अंदर पूरा का पूरा चला जाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं सिंथेसिस के, सबसे पहले क्या है कि राइबोस 5-फॉस्फेट को हमने IMP में कन्वर्ट करना है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है कि वो जब बन जाएगी राइबोस 5-फॉस्फेट से तो वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहला जो स्टेप है इसको हम स्टेप 0 भी कहते हैं या प्रिपेरेटरी स्टेप कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज PRPP। PRPP क्या चीज है कि दैट इज द फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट, इट इज अ डोनर ऑफ राइबोस 5-फॉस्फेट फॉर डी नोवो सिंथेसिस। रिएक्शन इसका क्या है, राइबोस 5-फॉस्फेट जब कंबाइन करता है ATP के साथ वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, PRPP। PRPP फॉस्फोराइबोसाइल पाइरोफॉस्फेट बनता है। एंड इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व्ड है, PRPP सिंथेटेज। जहां भी कोई सिंथेसिस हो रही हो तो वहां पे आपको अगर एंजाइम याद नहीं भी आ रहा तो सबस्ट्रेट के रेफरेंस से वैसे एंजाइम्स होते हैं, अगर एंजाइम आपको नहीं याद आ रहा तो आप सिंथेटेज भी लिख दें तो आपको उसके आधे नंबर मिल जाएंगे। अगर कहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है तो कौन सा एंजाइम आएगा, डीकार्बोक्सिलेज। वाटर ऐड हो रहा है तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेज होगा, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है तो कार्बोजाइलेज एंजाइम होगा। अगर कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है मतलब अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसएमिनेज एंजाइम यूज होगा। अगर आपको एंजाइम्स नहीं भी याद रहते, वैसे तो इंपॉर्टेंट एंजाइम याद रहने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद रहते तो आप ये लिख दो तो उसके आपको आधे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम इसमें यूज हो रहा है दैट इज द PRPP सिंथेटेज,
एंजाइम एक्टिवेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इनहिबिटेड बाय प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स. पीआरपीपी इज ऑल्सो यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन, जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम एंड ऑल्सो फॉर सेल्वेज पाथवे. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. पीआरपीपी सिंथेसिस किस तरह से हो रही है कि राइबोस 5 फॉस्फेट के साथ एटीपी कंबाइन हो रही है, तो वो हमारे पास पीआरपीपी बन रहा है. सेकेंड स्टेप इज द रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ 5 फॉस्फो राइबोसाइलामीन. ये किस तरह से बनेगा कि जो ग्लूटामीन का एक नाइट्रोजन है ना, वो पीआरपीपी का एक फॉस्फेट हटा देगा, तो इस तरह से हमारे पास राइबोसाइल अमीन बन जाएगा. रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अमाइडो ट्रांसफरेज, बिकॉज इसमें अमाइनो ग्रुप जो है ग्लूटामीन से वो ट्रांसफर हो रहा है पीआरपीपी की तरफ. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन यूनिक टू प्यूरीन बायोसिंथेसिस एंड इट इज द कमिटेड स्टेप एंड ऑल्सो द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द पाथवे. रेट लिमिटिंग स्टेप्स जो हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आता है थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या होता है कि टू कार्बन और एक नाइट्रोजन एटम जो है दैट इज एडेड टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमीन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज. ठीक है, इसमें हम दो कार्बन और एक नाइट्रोजन जो है वो एड कर रहे हैं इन 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमीन के अंदर. फिर फोर्थ रिएक्शन है, ये जो हमारे पास ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट बना है ना GAR, इसमें हम अब हमने कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप ऐड करना है, लाइक CHO ग्रुप. CHO ग्रुप जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड. फिर इसमें फर्दर एडिशन होगी फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड में एक अदर अमाइनो ग्रुप की, तो वो फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट से 5 से 6 कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रिंग बनाना है ना उसका, तो वो तो 6 कार्बन उसमें इन्वॉल्व होंगे तो रिंग बनेगा. रिएक्शन 5 में क्या होता है कि इसमें फर्दर जो होगा ग्लूटामीन ऐड होगा और वो फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट 6 बन जाएगा. फिर 6 स्टेप में हमने प्यूरिन रिंग को क्लोज करना है और वो एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है. इट यील्ड्स 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय एक्शन ऑफ अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज. तो इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं, आप सिर्फ इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो याद कर लें या इसको एक रिंग फॉर्म में याद कर लें. पूरी पूरी डिटेल अगर के एटम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं वो अगर किसी को नहीं भी याद तो इट्स ओके, पर ये कि एक पूरी जो फ्लो शीट जैसे लिपिन कॉर्ड में बनी हुई है वो आप लोगों ने याद करनी है. सेकेंड रिंग किस तरह से बनता है, इट इज बिल्ट बाय स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द फाइनल 3 एटम्स. जो हमारे पास जो छोटा वाला रिंग है, एक तो हमने 6 कार्बन एटम वाला बनाना था ना, एक 5 वाला 5 जो पेंटागॉन बनाना है ना, वो किस तरह से बनेगा. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी एडेड इज द कार्बन 6 कार्बन, वो कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से. ये रिएक्शन एक अनयूजुअल रिएक्शन है बिकॉज द कार्बन एटम अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटिन. फिर रिएक्शन 8 जो 8 और 9 जो हैं हमने नाइट्रोजन ऐड करनी है. नाइट्रोजन जो पोजीशन 1 पे ऐड होगी वो दो तरह से ऐड होती है, दो स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्पार्टेट साइक्लिक अमाइनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड कोवेलेंट इन द मीडिएट. और इसमें क्या बनता है हमारे पास
ये बनता है हमारे पास सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, और इसमें सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। फोर कार्बन कंपाउंड बनेगा, फोर कार्बन कंपाउंड जो है दैट इज देन क्लीव्ड टू मेक अ फाइव कार्बन कंपाउंड। और लास्ट प्यूरीन रिंग जो है उसमें फॉर्माइल ग्रुप की एडिशन होगी फ्रॉम N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और फाइनली हमारे पास एक फाइव कार्बन कंपाउंड या एक पेंटागॉन स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि प्यूरीन का सेकेंड रिंग है। रिएक्शन 11 जो है दैट इज द रिंग क्लोजर, उसमें क्या बनेगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। फाइनल स्टेप में आइनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेस जो है दैट कैटलाइजेस द क्लोजर ऑफ द सेकेंड प्यूरिन रिंग टू फॉर्म आईएमपी। ये सारी समरी है रिएक्शंस की। ये वैसे मैंने जो रिएक्शंस हैं ये मैंने हार्पर से बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको लिपिनकॉट से ही करना है बिकॉज लिपिनकॉट में जितना गिवन है दैट इज मोर देन इनफ। ये हार्पर वाला थोड़ा मुश्किल भी है, ये आप लोगों को समझाने के लिए था सिर्फ कि ये उसमें जो है ना रिएक्शंस वो स्प्लिटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, पर आप लोगों ने लिपिनकॉट को याद करना है। आप चाहे नमोनिक बना लें या उसको रट्टे लगा लें, लिपिनकॉट से ही पढ़ना है आप लोगों ने। ये जो सारे रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं आईएमपी फॉर्मेशन में, इसमें हमें क्या चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ग्लाइसिन चाहिए, एस्पार्टेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट। टोटल नंबर ऑफ एटीपीज, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटीपीज कितने कंज्यूम होते हैं आईएमपी फॉर्मेशन में। टोटल नंबर ऑफ एटीपीज जो है इसमें रिएक्शंस 1, 3, 5, 6, 7 एंड 8 टोटल ऑफ 6 एटीपी रिक्वायर होते हैं। 6 एटीपीज जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर प्यूरिन सिंथेसिस के एनालॉग्स हैं, इसको हम पाबा एनालॉग्स भी कहते हैं, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड एनालॉग्स, जो कि यूज होते हैं बैक्टीरियल सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए, और बैक्टीरिया में जो फॉलिक एसिड होता है उसको इनहिबिट करने के लिए पाबा एनालॉग्स यूज करते हैं। प्यूरिन सिंथेसिस रिक्वायर्स टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ कोएंजाइम, और जो सल्फाइड्रल ड्रग्स हैं जो सल्फोनामाइड्स हैं दैट ऑल्सो इनहिबिट the folate synthesis pathway in bacteria. Humans जो हैं वो खुद से folic acids नहीं synthesize कर सकते, so they rely on external sources for its synthesis. So जो sulfonamide drugs हैं वो they can't interfere with human purine synthesis. They only interfere with bacterial purine synthesis. Folic acid analogs जो हैं उसमें कौन कौन से हैं, मेथोट्रेक्सेट है विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को वो इनहिबिट करते हैं। ये ड्रग्स बेसिकली करती क्या है कि ये दे लिमिट द सिंथेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, एंड सो एज अ रिजल्ट दे स्लो डाउन डीएनए रेप्लिकेशन इन मैमेलियन सेल्स, so they are useful for treating rapidly growing cancer cells but also toxic to other dividing cells. अभी आप मैंने आपको बताया कि cancer cells को destroy करने के लिए हम different types of medicines use करते हैं, वो medicines cancer cells को destroy करती हैं but साथ ही साथ वो healthy cells को भी destroy करती हैं। For example, bone marrow के cells, skin के cells, immune system और hair follicles. That is why जब cancer की treatment start की जाती है तो बाल गिर जाते हैं, immune system weak हो जाता है, skin खराब हो जाती है, bone marrow cells जो हैं वो कम हो जाते हैं, weak हो जाता है बंदा, because उसके cancer cells के साथ healthy cells भी destroy हो जाते हैं। So that was all about purine and pyrimidine synthesis. ये पूरा टॉपिक आप लोगों ने लिपिन कॉर्ड से करना है, इधर उधर कहीं भी नहीं जाना।